दोस्तों, आपने थ्रस्टी क्रो की कहानी तो जरूर सुनी होगी, लेकिन जब वह कौवा पानी पीकर अपने घोंसले यानी कि घर जाता है तो क्या आपको पता है कि कौवा अपना घोंसला कैसे बनाता है? वह कौवे के बारे में कुछ अनसुनी बातें। वह दोस्तों नंबर दो पर है हॉर्नोर पक्षी, जो कि लड़की से भी ज़्यादा शर्मीला होता है। इन दोनों पक्षी के बारे में डिटेल से जानना है तो बने रहिए आखिर तक। नंबर एक पर है कौवा। दोस्तों, जैसे हम अपने घरों में रहते हैं वैसे ही पक्षी भी अपने लिए घोंसला बनाते हैं। बस फर्क यह है कि सीमेंट कंक्रीट से हम अपना घर बनाते हैं और बहुत मेहनत से तिनका जोड़कर अपने लिए आशियाना तैयार करते हैं कौवा। कौवे का घोंसला पेड़ों की सबसे ऊंची ढाल पर होता है। कौवे का घोंसला बनाना नहीं आता कहा जाता है, यह वजह है कि उनके घोंसले बेतरतीब ढंग से बने होते हैं, मतलब बेतरतीब जैसा शब्द वैसा घोंसला, जिनमें घास फूस तिनके आदि पाए जाते हैं। घोंसले देखने में आकर्षित नहीं होते, लेकिन यह बड़ा होता है। दोस्तों, यह तो आपको पता ही होगा कि कौवा एक चालाक पक्षी है। यह कभी कभी कोयल के घोंसले में अपने अंडे रख देता है। कोयल अपने अंडे के साथ इन्हें भी सहती है और अंडे में से बच्चे निकलने के बाद फुर हो जाते हैं, जिसमें कौवे के बच्चे भी शामिल होते हैं। यह एक ऐसा पक्षी है जो संसार के प्राय सभी भागों में पाया जाता है। कहते हैं कि यह बैसाख महीने में अंडा देता है। वह अपने जीवन काल में एक बार ही अंडा देता है और अंडे का रंग हरा होता है। कौवे के बारे में कुछ अनसुने फैक्ट्स। कहते हैं कि कौवा बाकी पक्षियों की तरह माइग्रेट नहीं होते। जहाँ जन्म लेते हैं उनके आसपास ही अपना पूरा जीवन बिताते हैं। आम कौवे का जीवन काल 10 से 15 साल का होता है, लेकिन ऑस्ट्रियाई रोवेन का 22 साल तक जीता है। नंबर दो पर है हॉर्नोर पक्षी का घोंसला। यह पक्षी भूरे रंग के होते हैं, जिनकी पूंछ छोटी होती है और काफ़ी लंबे बिल होते हैं। वे आमतौर पर 2 से 4 अंडे देते हैं। व्यस्क हॉर्नोरों को अक्सर अपने घोंसले के ऊपर बैठे देखा जा सकता है। यह पक्षी पूर्वी दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। यह पक्षी अगस्त और दिसंबर के बीच अंडे देते हैं। इसके तुरंत बाद घोंसला बनाते हैं और युवा अगले प्रजनन के मौसम तक अपने जन्म के क्षेत्र में रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सब्सक्राइब नहीं करते। अगर थोड़ी सी वीडियो पसंद आई तो दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।